नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही जहां इंडिया गठबंधन के नेता एकजुट होकर केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी ईमानदारी के तीर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधने में कोई कसर छोड़ती नहीं नजर आ रही है। दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच आम आदमी पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव में पार्टी की कमान संभालने को लेकर संकट गहराया हुआ है, जहां अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरा कोई बड़ा चेहरा ना होने के चलते सुनीता केजरीवाल को मैदान में उतारने की तैयारी पार्टी की तरफ से की जा रही है, जिसके बाद जहां एक तरफ सहानुभूति की दरकार है तो वहीं बीजेपी के तीखे हथियार भी तैयार हैं। देखना यह है कि जनता के बीच किसकी आवाज पैठ बनाने में सफल होगी। तो आज बात होगी इंडिया की चाल और आपके हाल की, लेकिन इससे पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल क्या हुई? जिस इंडिया गठबंधन में दरारें नजर आ रही थी, वो गठबंधन ऐसे एकजुट हो गया जैसे उनको सुपर ग्लू से एक साथ चिपका दिया गया हो। सारे के सारे गठबंधन के नेता एकजुट हो गए हैं और केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद रविवार को आम आदमी पार्टी की पहली बड़ी बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी संदीप पाठक ने की। इस बैठक में पार्टी ने आगे की रणनीति तैयार की, जिसके बाद इंडिया गठबंधन की तरफ से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला गया। इंडिया गठबंधन ने ऐलान किया कि केंद्र सरकार की इस तानाशाही रवैये के खिलाफ 31 मार्च को राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली करेंगे और सरकार की तानाशाही के खिलाफ बिगुल फूकेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी एजेंसियों का दुरुपयोग करके, षड्यंत्र करके, विधायकों की खरीद फरोख्त करके, लोगों को डरा करके, धमका करके और पूरे विपक्ष को या तो पैसे दे करके खरीद रहे हैं या फिर ईडी सीबीआई से धमका करके अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, या फिर जो सुनने को तैयार नहीं है, जो न बिकने को तैयार है, न झुकने को तैयार है, न रुकने को तैयार है, उन सारे विपक्ष के नेताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे करके 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 उनको गिरफ्तार करने की साजिश हो रही है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जब लिस्ट डाली गई, उस लिस्ट में मनी ट्रेल सामने आया, घोटाला इधर हुआ और 60 करोड़ का मनी ट्रेल भारतीय जनता पार्टी के खाते में पहुंच गया। शरद रेड्डी जिसके ऊपर इन्होंने पहले जिसको इन्होंने पहले गिरफ्तार किया, उसके बाद उसको जमानत दे दी, 60 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने खाते में जमा कराए। इस तानाशाही के खिलाफ दिल्ली के अंदर जिस तरह से इन्होंने पुलिस छावनी बनाई है, इस लड़ाई को और तेज करने के लिए और व्यापक बनाने के लिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि 31 तारीख को रविवार के दिन 10 बजे पूरी दिल्ली रामलीला मैदान में इकट्ठा होगी महारैली। इंडिया गठबंधन मिलकर के महारैली 31 तारीख को 10 बजे रामलीला मैदान चलो का नारा गूंजेगा दिल्ली के अंदर। तो वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोपों की बाड़ों की बौछार किए जा रही है। दिल्ली में पानी और सीवर गड़बड़ है, व्यवस्थित नहीं है, और ये तब हुआ जब उनकी गिरफ्तारी पे दिल्ली का कोई भी व्यक्ति उनके समर्थन में आना तो छोड़िए, वो न दुख भी नहीं जताया, ऊपर से खुशियां जता रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं कि जिसने दिल्ली को रुलाया वो जेल में गया। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब शराब नीति घोटाला मामले में 6 दिन की पुलिस रिमांड पर हैं। केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं है। फाइलों पर साइन करने से लेकर कैबिनेट मीटिंग तक के लिए उन्हें बार बार कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। इसके अलावा लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में न सिर्फ दिल्ली की सरकार चलाने की चुनौती है, बल्कि पार्टी को चुनाव की तैयारी भी करानी है, जिसका पहला असर 22 मार्च को ही दिख गया। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की वजह से स्थगित करना पड़ा।
अब पार्टी के मुख्य चेहरे जेल की चार दीवारी के पीछे हैं, जिसके बाद पार्टी के सामने कई सवाल आ खड़े हुए हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद चुनाव में पार्टी का चेहरा कौन होगा, क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी से पार्टी को भावनात्मक तौर पर फायदा मिलेगा, सवाल ये भी कि क्या भ्रष्टाचार के आरोपों से पार्टी बाहर निकल पाएगी और क्या इसका नुकसान हो सकता है। पार्टी के सूत्रों की माने तो चुनाव में नाम तो अरविंद केजरीवाल का ही रहेगा। अगर उन्हें जमानत नहीं मिलती है तो सुनीता केजरीवाल पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर सकती हैं। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अगर केजरीवाल को बेल नहीं मिली तो पार्टी सुनीता केजरीवाल को सहानुभूति के लिए सामने ला सकती है, लेकिन दूसरी तरफ पार्टी में कोई दूसरा बड़ा चेहरा ना होने के कारण पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं बीजेपी भी खुद को सबसे बड़ा ईमानदार कहने वाले सीएम के भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाने के मुद्दे को हवा देकर चुनावी फायदा ले सकती है। बहरहाल अब केजरीवाल को बेल मिलती है या जेल, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। साथ ही देखना दिलचस्प ये भी होगा कि आखिर इसका कितना फायदा विपक्ष उठा पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड के बाद में आम आदमी पार्टी के सामने चुनौती ये है कि आखिर किसके चेहरे पर लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरा जाएगा, उसको लेकर तमाम तरह की रणनीतियां हैं। साथ ही साथ इंडिया गठबंधन भी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ भूदेव शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा रत्नाकर सिंह जी, नेता बीजेपी से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर परमवीर सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल भूदेव शर्मा जी, सबसे पहला सवाल आपसे, जिस तरह से इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई है और केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन आप करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इस मामले में पीछे नहीं आ रही है। सीधे सीधे आरोप इस बात के हैं कि पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप में होते हुए भी जेल से सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। देखिए मिश्रा जी, सबसे पहले तो मैं आज जिस तरह से लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है उसके लिए दुख व्यक्त करता हूँ, और मुझे लगता है कि मीडिया को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज चुनाव जिस तरह से नजदीक है, एक आम चुनाव होने है जिससे देश की जनता अपना प्रधानमंत्री चुनेगी, अपने सांसद चुनेगी, अपना इस देश की सरकार चुनेगी। ऐसे समय में एक तानाशाही सरकार जो पूरे विपक्ष को पूरी तरह खत्म कर देना चाहती है, चाहे वो डर से, जो डर चुके हैं, जिनके जिनको जिन्होंने इस देश में नफरत फैलाने का काम किया, आज वो नफरत देश की जनता उनसे करने लगी है, और उस नफरत से, देश की जनता की नफरत से डर करके वो आज विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। चाइना को क्लीन चिट देने वाले आज चाइना की तरह इस देश में वन पार्टी सिस्टम लागू करना चाहते हैं, और इस देश में सिर्फ वन पार्टी सिस्टम लागू करके और हमेशा प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं, विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, जिस देश के लिए कई स्वतंत्रता, हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान दी, अंग्रेजों से देश को आजाद कराया, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और जो क्या मनमोहन सिंह जी तक इस देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, इस देश को विश्वगुरु बनाने के लिए काम किए प्रधानमंत्रियों ने। 2014 के बाद से जिस तरह इस देश के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, वो अब किसी से छुपा नहीं है। इसलिए मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूं कि मोदी जी आज इतने डरे हुए हैं कि आज देश की जनता से वो इतने डर गए हैं कि जो नफरत फैलाने का काम करते थे, आज देश की जनता उनसे इतनी नफरत करने लगी है कि वो इस देश में चुनाव होने नहीं देना चाहते। विपक्षी पार्टियों के अकाउंटों को बंद करवा रहे हैं, अकाउंट फ्रीज करवा रहे हैं, उनको जेलों में डालने का काम कर रहे हैं, या उनसे कहते हैं कि हमारी पार्टी में आ जाइए, बीजेपी में आ जाइए। तो निश्चित तौर पर मिश्रा जी, देश की जनता ने जब जब इस देश के लोकतंत्र को खतरा पैदा हुआ है, देश की जनता ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और देश के लोकतंत्र को बचाने का काम किया है। कोई कभी भी देख लीजिए आप, देश की आजादी से पहले से लेकर के देश की आजादी के बाद तक भी, लेकिन आज सरकारी संस्थाओं को जिस तरह दुरुपयोग हो रहा है, देश की जनता आज विपक्ष के साथ खड़ी है, इस देश के लोकतंत्र के साथ खड़ी है, इस देश के संविधान के साथ खड़ी है, और मैं मानता हूं कि चुनावों में देश की जनता इनको बताएगी, चाहे ये कितने भी हथकंडे अपनाने, लेकिन देश की जनता इनको खदेड़ने का काम करेगी। रत्नाकर सिंह जी, जवाब दीजिएगा आप। दो चीज उन्होंने प्रमुखता से कही है प्रियंका जी, पहली चीज तो ये कांग्रेस पार्टी को के बारे में जो बता रहे थे वह कि वह कांग्रेस पार्टी कैसी पार्टी है, और दूसरी चीज ये भारतीय जनता पार्टी को तानाशाही बता रहे थे। मैं दोनों पॉइंट पे आना चाहूंगा। देखिए, अगर देश की केंद्रीय एजेंसियां जो है वो अपना अगर काम करती हैं, अगर कहीं घोटाले का कोई
आरोप पाया जाता है तो उस पर जांच करती हैं और घोटाले में साक्ष्य अगर पाए जाते हैं उसके ऊपर वह कार्रवाई करती हैं और माननीय न्यायालय के पास जाती हैं और कानून अपना काम करता है। तो अगर एजेंसियां या इंडिपेंडेंट बॉडी अपना काम करती हैं तो उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है कि वह कोई डायरेक्शन नहीं होता है, सरकार का हाथ कहीं पे भी नहीं होता है। ये सिर्फ ये आरोप लगाने की राजनीति कर सकते हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा जो आज मेरे दोस्त यहाँ पे बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के, ये मुझे एक चीज का जवाब दे दें कि आप अनिल चौधरी आपके दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के नेता है, बड़े नेता है, उन्होंने ही सर्वप्रथम प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि आबकारी घोटाला हुआ है और वो आबकारी घोटाले की जांच की मांग भी कर रहे थे और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की मांग भी कर रहे थे। और आज जब आबकारी घोटाले की जांच ईडी के द्वारा की गई, तथ्यों को पाया गया, सबूत पाए गए और वो जांच के आधार पर जो उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, तो आज ये इनका दूसरा राग अलाप रहे हैं जी। आज राहुल गांधी दूसरा राग अलाप रहे हैं, जबकि वही दिल्ली प्रदेश कांग्रेस है जो इतने दिनों से मांग कर रही थी कि आप जो है कार्रवाई करें, घोटाले की जांच करें। आज सोच लीजिए दोहरा चरित्र इनका किस तरह से है। और दूसरा, ये कांग्रेस पार्टी के बारे में जो कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने आजादी की लड़ाई लड़ी, ये किया वो किया, अरे आज की कांग्रेस में और पहले की कांग्रेस में बड़ा फर्क हो गया है, शायद ये मेरे दोस्त को मालूम नहीं है जी। ये गांधी की और सुभाष चंद्र बोस की और सरदार पटेल की कांग्रेस नहीं रही, ये वह कांग्रेस है जहां पे सांसद, कर्नाटक का सांसद ये कहता है कि इस देश के दो टुकड़े करो और दक्षिण भारत को अलग देश बनाओ, भूदेव जी। ये वो कांग्रेस है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ये वो कांग्रेस है जो सदन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाती है, तो ये वो कांग्रेस है और देश की जनता इसको देख रही है। आपके लक्ष्यदार भाषण देने से और लक्ष्यदार बातें कहने से देश की जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता। भूदेव शर्मा जी आपका जवाब। हाँ तो इनको रोकिए, मैं जवाब देता हूँ जी। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरी सारी बातें इन्होंने नहीं सुनी। मैंने कांग्रेस पार्टी का एक बार भी नाम नहीं लिया था। मैंने ये कहा था कि इस देश की आजादी में हजारों लोगों ने, हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण गंवाए थे जब इस देश को आजादी मिली, लेकिन इनको वहां पर भी कांग्रेस दिखाई देती है। लेकिन अच्छी बात है कि ये मानते हैं कि हाँ कांग्रेस ने ही इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी मुख्य रूप से। दूसरी बात, आज पूरा देश मिश्रा जी ये जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है। जो शराब नीति की बात कर रहे हैं, ये शराब घोटाले की बात कर रहे हैं, उसमें जो लिप्त हैं वो भी चंदा भारतीय जनता पार्टी को देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के नाम पर जो घोटाला किया गया है, कोरोना जैसे समय में जहां लोग सांसों के लिए तड़प रहे थे, कोई ऐसा घर नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि इस देश में 90% से अधिक घर ऐसे थे जिन्होंने अपने किसी न किसी रिश्तेदार को नहीं खोया हो। उस समय में भी सीरम बनाने वाली, उस वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से और जो क्या है ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के नाम पर चंदा ले रहे थे। शर्म नहीं आई इन लोगों को कि देश के लोगों की जान के ऊपर के जो क्या है ये उनसे चंदा ले रहे थे, चंदा लेकर के धंधा उनको दे रहे थे। तो और अभी तो उसको छोड़िए, पीएम केयर फंड के नाम पर जो भ्रष्टाचार हुआ है वो भी सामने आएगा, सरकार बदलेगी और देश की जनता ये जानना चाहती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद जब ये इनका भ्रष्टाचार सामने आया तो मोदी जी के होठ सूख गए। नहीं, लेकिन रत्नाकर जी का सवाल तो ये भी था ना कि आबकारी के लिए जांच तो पहले आप ही चाहते थे ना, जब शुरुआत आपने की और जांच हो रही है तो आपको आपत्ति क्यों है? दूसरी बात, उसी आम आदमी पार्टी के खिलाफ जिसके खिलाफ आप जांच चाहते थे, आज आप उनके साथ खड़े हैं। अब मैं जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए। बहुत अच्छी बात है कि जो सवाल, जो आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से एक सवाल नहीं पूछा जबकि वो सत्ता में है, मुझे लगता है सत्ताधारी दल से। लेकिन अच्छी बात है कि आप हमें इस काबिल समझते हैं, आप जिम्मेवार व्यक्ति समझते हैं, जिम्मेवारों से ही सवाल पूछे जाते हैं, गैर जिम्मेवार से नहीं पूछे जाते। मीडिया का जो रोल है वो आज सब देख रहे हैं। आपने मुझसे सवाल पूछा कि उन्होंने, हमने उसके लिए FIR की या अनिल चौधरी जी ने की, मुझे ये बताइए कि अभी तक उनके नाम से क्या सबूत मिले, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मैंने अभी आपको बताया कि जिस शराब नीति में जो लोग इन्वॉल्व थे, जिन्होंने चंदा खाने का काम किया, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? आज जो भारतीय जनता पार्टी में जिन भ्रष्टाचारियों का ये मंच से नाम लेते हैं, वो ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनके ऊपर ये ईडी सीबीआई काम क्यों नहीं करती है? आम चुनाव होने को है, आज मुश्किल से 20-22 दिन बचे हुए हैं। ऐसे समय में अगर विपक्षी पार्टियों के अकाउंट को सील कर दिया जाए, विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जेल में डाला जाए, ये कौन से फेयर चुनाव होने वाले हैं? मुझे बताइए ना।
नहीं मुझे बताइए ना कौन से फेर चुनाव होने वाले, आप लोगों को इनसे सवाल पूछना चाहिए कि आप लोग चुनाव के समय में ये सब क्यों कर रहे हैं। दो साल पड़े थे आपके पास, 10 साल से साल हो गए, आपको जब कुछ नजर नहीं आता है केवल चुनाव के समय में ये क्यों नजर आते हैं। रत्नाकर जी जवाब दीजिएगा, भूदेव जी का सवाल है चुनाव समय में ये सब क्यों। बिल्कुल देखिए, आज ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, और ये वही आम आदमी पार्टी की तरह ही चिल्ला के कह रहे हैं, जैसा होता है ना चोर मचाए शोर। अरे सबूत सारे मिले हैं तभी तो उनको गिरफ्तार किया गया है, और माननीय उच्च न्यायालय से गिरफ्तारी को रोकने से भी मना कर दिया जी, रमन सिंह जी आती हूं मैं आपके पास। हेलो, क्योंकि उन्होंने वो मनी ट्रेल, उन्होंने वो सारे साक्ष्य देखे, और सारे साक्ष्य देखने के बाद उन्होंने गिरफ्तारी पे जो रोक लगाने की मांग कर रही थी अरविंद केजरीवाल, उसको मना कर दिया गया। ये माननीय उच्च न्यायालय ने किया, ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। तो ये आज क्यों भूल जा रहे हैं कि सारे सबूत ईडी के पास इकट्ठे हैं, और वह सबूत भी इकट्ठा है जो माननीय जो सिसोदिया जी के पर्सनल सेक्रेटरी के अरविंद जी ने कहा कि मेरी मौजूदगी में 5% से 12% कमीशन को बढ़ाने का कार्य भी उनकी मौजूदगी में वहीं पे किया गया, वो सारे साक्ष्य भी वहां मौजूद। ठीक है रत्नाकर जी, रमन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। रमन सिंह जी इस पे जवाब दीजिएगा आप। देखिए प्रियंका जी, सूप बोले तो बोले, चलनी बोले जिसमें 72 छेद। अगर भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की बात करती है तो बड़ा हास्यास्पद सा लगता है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ इस केस को लेकर 2 साल से जांच चल रही है, सैकड़ों छापे हुए, खूब जांच हुई, खूब रेड पड़ी, कई बार तलाशी ली गई, 1 रुपए की बरामदगी किसी नेता के खिलाफ, किसी नेता के पास से आज तक नहीं हुई, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी हों, चाहे संजय सिंह जी हों, चाहे सत्येंद्र जैन जी हों, या अरविंद केजरीवाल जी हों, या विजय नायर हों, सब कुछ पूरी जांच कर ली, पूरे अकाउंट खंगाल लिए, कहीं से कोई बरामदगी नहीं दिखी। जहां से बरामदगी हुई है, बरामदगी मनी ट्रेल जिस जगह मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी ने अरविंदो फार्मा के शरद रेड्डी से पहले 5 करोड़ रुपए लिए, फिर उसके बाद उनको जमानत मिलती है, फिर उसके बाद जब 24 करोड़ का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड फिर से खरीदे जाते हैं, फिर भाजपा के पास जाते हैं, उसी केस में जो आरोपी था उसको सरकारी गवाह बनाया जाता है, और फिर उसके बाद जो बयान वो देता है उसके बयान को बिल्कुल ब्रह्म वाक्य मानकर फिर जो बयान देता है ईडी, उस पर पूरी कार्रवाई ईडी की उन्हीं के बयान पर आधारित है। वो कहते हैं कि हाँ संजय सिंह जी को गिरफ्तार कर लो, कर लिया, अरविंद उनको मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लो, कर लिया, सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार कर लो, कर लिया, अरविंद जी को गिरफ्तार कर लो, कर लिया, कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है उसी अरविंदो फार्म के द्वारा। क्या नहीं, इस पूरे मामले में हमारे साथ आती हूँ मैं रमन सिंह जी, आपके पास आती हूँ, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर परमवीर सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर परमवीर सिंह जी, इस पूरे मामले में जिस तरह से रमन जी जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं, अरविंदो फॉर्म के उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन के कविता की भी बात, यहाँ पर तमाम बयानों को इनको लग रहा है कि मैनिपुलेट किया गया है और उसके आधार पर केस आगे बढ़ रहा है। प्रियंका जी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है जी? देखिए बात करी जाएगी कानून की और कानूनी प्रक्रिया की। कोई भी नेता इस देश में इतना बड़ा नहीं होता, ना कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर हो, एक बड़ा ही पॉपुलर लीडर कोई हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कानून के सवालों से भाग जाए जी। कोई भी कानूनी प्रक्रिया होती है उसको फॉलो करने का तरीका सेम राष्ट्रपति के लिए भी वही है और एक साधारण व्यक्ति के लिए भी वही है। अब आप इस स्थिति में देखिए कि सीएम के पास स्पेशल राइट होते हैं, 9 बार तक किसी एजेंसी का आपके पास समन आता है आप उसे डॉज कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र है, आपके पास स्पेशल राइट्स हैं, आपने उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए अपनी कानूनी आपने मदद से आपने डॉज किया। अभी यही चीज बोलिए, कोई कंपनी मानते हैं उसके ऊपर भी ईडी के ऐसे नोटिस आ जाए तो मैं नहीं समझता हूँ 1 या 2 बार से ज्यादा कोई डॉज कर सकता है। तो मेरी आपत्ति जिस चीज से है, पक्ष से भी विपक्ष से भी, ये बार बार जो योद्धा खड़े होते हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए, कृपया ऐसी ऊंची राजनीति ना करें। लोकतंत्र इंटैक्ट है और कोई भी उसको छेड़ने की प्रयास यहाँ पर नहीं कर सकता, क्योंकि बनाया हुआ इस तरीके से है। हमारे पड़ोसी राज्य कोलैप्स हो चुके हैं, पाकिस्तान की स्थिति देख लीजिए, आप श्रीलंका की देख लीजिए, आप बांग्लादेश में देख लीजिए। भारत में ये कोलैप्स क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये सनातन परंपरा में जब दुनिया के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं होती थी तब यहाँ पर जनपद कहे जाते थे मौर्य काल के तब में, कि ये डेमोक्रेसी वहां से है, डेमोक्रेसी बची रहेगी, आप चिंता ना करें इसकी। अब बात आती है कि हम चुनाव के समय
ऐसा क्यों किया जा रहा है? भारत इतना बड़ा राज्य है, यहाँ तो चुनाव कहीं ना कहीं चलते ही रहते हैं 12 माह तक। अभी ये लोकसभा खत्म होगी, कई राज्यों के चुनाव आ जाएंगे, फिर किसी राज्य के आ जाएंगे, तो यानी कि ईडी सीबीआई अपना काम करना करे बंद और वो चुनाव के डेट से इलेक्शन कमीशन से कि वो ले ले। नहीं, लेकिन इसके अलावा डॉक्टर परमवीर जी, रमन जी जिस तरह से बता रहे थे, उनका साफ मानना है कि ये पूरी एक तरह से मैनिपुलेटिव तरह से इस केस को चलाया जा रहा है और उसी के तहत ही आगे कार्रवाई हो रही है। देखिए, ये कानूनी प्रक्रिया है, अगर आप किसी का सड़क पर चलान भी हो जाता है ना, तो वो चिल्लाने लगे, उस समय मीडिया को बुला ले कि मेरा चलान गलत काटा है, ऐसा नहीं होता है। वो कोर्ट के अंदर जज के सामने बताना पड़ेगा। बहुत बड़े बड़े मुकदमे भारत में बहुत बड़े बड़े लोगों पे हुए, लोग कानून के प्रक्रिया से कचहरी से छूट कर आए हैं। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ लगातार मनी ड्रिल और ऐसे की भी ये कुछ पैसा का वो नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, टेक्निकल टर्म्स है। अरे साहब, ये मीडिया के आगे बोलने की बात नहीं है, ये जज के सामने बोलिएगा, वहां से कुछ आपको मिल सकता है। अभी मनी ड्रिल के सबूत क्या सीबीआई किसी के घर पर भेजेगी कि भाई साहब आपके खिलाफ ये सबूत हमारे पास है, ये लोग कोर्ट से भेज दिए, अब जज के सामने आ जाना? तो ये मजाक मत उड़ाइए। आम जो भोली भाली जनता है ना, वो समझती है कि ये बड़ा काम गलत हो रहा है, लेकिन ये सारी बातें कोर्ट के अंदर होगी, माध्यम होते हैं करने के, उनके थ्रू होगी। बीजेपी के कई बड़े बड़े लोग थे, अमित शाह हमारे गृह मंत्री है, ये जेल में गए थे कि नहीं गए थे? ये वहीं से छूट कर आए हैं ना सब ये लोग। अभी 2G स्पेक्ट्रम के लोगों पे दोबारा केस शुरू होने वाला है, लेकिन भरी तो पहले कोर्ट से हुए ना, या मीडिया के अंदर ट्रायल किया गया था, मीडिया के सामने ट्रायल किया गया था कि भैया देखो ऐसा सामान सब बुरा हो रहा है। तो ये बातें आप उलझाने की काम मत कीजिए, और आप बात कीजिए आम आदमी पार्टी से। एक देश के आम नागरिक का बड़ा लगाव था एक समय से, 2011-12 में जब अरविंद केजरीवाल के पुराने वीडियो फुटेज देखते हैं तो बड़ी अच्छा लगता था उस समय कि कोई ऐसा आदमी आया जो मिडिल क्लास की बात करता है, कानून की बात करता है, और उन्हीं कानूनों के आरोप में है अभी वो। देखिए, अगर अच्छा करे, भगवान करे, उन्होंने कुछ ना करा हो, वो कोर्ट से भी कुछ क्लीन निकल कर आए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता ना, तो बहुत बड़ा धोखा विश्वासघात होगा। ये आने वाले टाइम में कभी भी कोई व्यक्ति ऐसे जन आंदोलनों के साथ लगने से पहले 4 बार सोचेगा साहब जी। इसके अलावा डॉक्टर परमवीर जी, एक सवाल यहाँ पर और भी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो ईडी की रिमांड पर रहते हुए सरकार चला रहे हैं। इससे पहले तमाम मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि झारखंड में हेमंत सोरेन ने भी जिस तरह से इस्तीफा दे दिया है, क्या लगता है आपको, नैतिकता की बात राजनीति में कम है, आजकल लोग कम सोचते हैं? ये जग जाहिर है, जनता भी जानती है और तमाम नेता भी जानते हैं, लेकिन क्या मैसेज जा रहा है? प्रियंका जी, नैतिकता तो देखिए अब अपनी मनमर्जी की हो गई है, जो बात मेरे को नैतिक लगेगी वो मैं नैतिकता कहूंगा, बाकी नहीं नैतिकता की है। और अभी आज हमने देखा, कल आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी, उन्हीं की चेयर पे पीछे फोटो लगी हुई है, भगत सिंह जी के, बाबा अम्बेडकर साहब की फोटो लगी हुई, और वो बयान एज अ मुख्यमंत्री पे बैठे हुए दे रही है उस चीज पे। तो नैतिकता तो मुझे लगता है पोटली बना के डाल दी गई, गंगा जी को प्रवाहित कर दी गई है। तो नैतिकता तो प्रवाहित है, बोलने दीजिए सर, बोलने दीजिए। देखिए, ये आप सचिवालय परविंदर जी, वो सचिवालय पर जाकर नहीं बैठी थी, मेरा नाम है सर, बोलने दीजिए। आप हंगामा करिए, आप आराम से कीजिए, मेरे साथ से कीजिए, भाजपा वालों से बात रख रहा हूँ। कार्यालय नहीं था, मैं आपको क्लियर कर दूं, डेमोक्रेसी करते हैं, मेरा ही गला घोटने में लगे हुए, मैं तो बात रख रहा हूँ। डेमोक्रेसी में आप गलत तथ्य नहीं रखिए ना, गलत तथ्य तो कोर्ट का करेक्ट, आप मेरे को बोलने दीजिए। कोर्ट का मामला नहीं है। आप देखिए, भगत सिंह जी और अंबेडकर जी की फोटो लगा लूं तो अरविंद केजरीवाल की कुर्सी हो जाएगी क्या? वो आप देखिए, आप अरविंद केजरीवाल के रिश्तेदार नहीं है। अगर आप अरविंद केजरीवाल के रिश्तेदार होते तो आपसे भी अपेक्षा की जाती है, आप रिश्तेदार नहीं है, आपकी पत्नी की बात हो रही है। क्या रिश्तेदारों को मनाई है कि वो भगत सिंह जी अंबेडकर जी की फोटो नहीं लगाएंगे? बात को आम आदमी पार्टी की चेयर के ऊपर आम आदमी पार्टी को एड्रेस कर रही है। आप कम से कम इस तरह से झूठे तत्व तो ना रखिए, झूठे तत्व आप अपनी पार्टी के तरीके से बातों घुमाइए मत। मैं कहना चाह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी के लोगों को एड्रेस कर रही है, अरविंद केजरीवाल के बिहाव पर एड्रेस कर रही थी कि नहीं कर रही थी, या पर्सनल बिहाव पर एड्रेस कर रही थी? नहीं, उन्होंने अरविंद जी का पत्र ही सुनाया ना, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कह रही हूँ। बहुत अच्छी बात, उन्होंने तो अरविंद जी का जो पत्र था उसी को सुनाया। नहीं, लेकिन रमन सिंह जी, आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि कुर्सी का राजनीति में कितना महत्व है, और अगर उस कुर्सी से मैसेज जा रहा है तो उसके सांकेतिक मैसेज भी एक भेजने की कोशिश की जा रही है, इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते, और आप बेहतर जानते हैं। नहीं, कोई सांकेतिक मैसेज देने का प्रयास नहीं किया गया था। अब देखिए, आप दीजिए या ना दीजिए, लेकिन जो समझ में आ रहा है डॉक्टर परमवीर जी को, समझ में आ रहा है जनता जो समझना चाह रही है, उससे आप इनकार भी नहीं कर सकते। डॉक्टर परमवीर जी, डॉक्टर साहब देखिए, जो समझ रहे हैं ऊपर बैठकर उनकी समझ, जब कोई बयान देती है तो ऐसा लगता है जनता के बीच में, और खासकर के आम आदमी पार्टी के बीच में बात जाएगी कि अब कमांड इनके हाथ में है, और हमने देखा भी है पहले, लालू यादव जी की पत्नी भी आ गई। तो मेरा सिर्फ आपत्ति इस चीज से है कि आप में और लालू यादव जी की पार्टी में कोई अंतर दिखाई नहीं देता था, जैसा आपने कहा था कि लोक जन लोकपाल बिल और ये सब बातें आप करते हुए आए थे, अब तो आप उनके साथ जवाब दीजिएगा।
आप तो गठबंधन में है ही, लेकिन मुझे अब आपकी पार्टी की नीति रीति नीति में भी कोई फर्क दिखाई नहीं देता। नहीं बिल्कुल, ये आपका आपका और भाजपा का मत हो सकता है, उसमें उसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली की जनता हमारी नीतियों को बहुत अच्छे से समझती है और उसी का परिणाम है कि लगातार चौथी बार अरविंद जी मुख्यमंत्री बने, तीसरी बार, और थोड़े बहुत अंतर से नहीं बने, उस बहुमत से, उस भारी बहुमत से बने। 70 में से 67 सीटें जो आज तक देश में किसी को नहीं मिली। हमने शिक्षा पर काम किया, जो हमारे वादे थे। अगर जेल से बाहर नहीं निकलते हैं दिल्ली के सीएम, तो पार्टी का चेहरा कौन होगा लोकसभा चुनाव में? नहीं, ये तो साफ कर दिया गया प्रियंका जी कि अरविंद जी इस्तीफा नहीं देंगे, ये सरकार जेल से ही चलेगी। जब तानाशाही नहीं, सरकार तो जेल से चलेगी, लोकसभा में पार्टी का चेहरा कौन होगा, प्रचार प्रसार कौन करता हुआ नजर आए, किसके नेतृत्व में आप चुनाव लड़ेंगे? प्रियंका जी, ये आंदोलन से निकली पार्टी है, ये एक ऐसे आंदोलन से निकली पार्टी है जिसका कोई नेतृत्व नहीं था। जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ तो कोई नेतृत्व तो नहीं था, लोग अपनी प्रेरणा से, स्व प्रेरणा नहीं, तब नहीं था, लेकिन अब तो अरविंद केजरीवाल नेतृत्व है ना, और एकमात्र नेतृत्व है, दूसरा कौन है आपकी पार्टी में? आज भी वही स्थिति है, आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल है। जिस दिन मनीष सिसोदिया जी जेल गए तो ये हुआ कि अब शिक्षा के काम रुक जाएंगे, कौन शिक्षा मंत्रालय संभालेगा, लेकिन जब आतिशी जी को ये जिम्मेदारी मिली तो पूरे कार्य उसी तरह से, जिस तरह से मनीष जी के काम चल रहे थे, सुनीता केजरीवाल लेंगी, सुनीता केजरीवाल लेंगी अरविंद केजरीवाल जी की जगह लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में? सुनीता जी भी एक हिस्सा है पार्टी का और परिवार का अरविंद जी के, अगर वो अरविंद जी के भी आप में प्रचार करेंगी, जनता के बीच में जाएंगी, तो इसका मतलब नहीं कि वो कोई संवैधानिक पद में आ गई। अरविंद जी की पत्नी हो, चाहे मनीष जी की पत्नी हो, या संजय सिंह जी की पत्नी हो, कोई भी परिवार, पहले भी हमने देखा है कि अरविंद जी के प्रचार में सुनीता जी और उनका परिवार प्रचार के लिए जाता रहा है। इसका मतलब ये कि आपको भी परिवारवाद से कोई आपत्ति नहीं है? नहीं, परिवारवाद से आपत्ति तब होती है जब संवैधानिक पद किसी परिवार को दिया जाए। प्रचार करने से किसी के परिवार को नहीं रोका जा सकता। अगर अरविंद जी चुनाव लड़ेंगे तो उनका पूरा परिवार प्रचार करेगा, और आज भी दिल्ली में कैंपेनिंग में जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं सब प्रचार कर रहे हैं। गोपाल राय जी उसको पूरा लीड कर रहे हैं, हमारे संदीप पाठक जी हैं संगठन मंत्री, वो लीड कर रहे हैं, राघव चड्ढा हैं, हमारे सभी नेता जो अरविंद जी और मनीष जी और संजय जी के अलावा जो भी हैं सब उस पूरे कैंपेन को लीड कर रहे हैं। भगवंत मान जी आगे लीड करेंगे, तो नेतृत्व का संकट तो कतई नहीं है। और जब लड़ाई कौरवों से हो तो पांडवों को लाक्षाग्रह का ताप सहन करना ही पड़ता है। जो आज तानाशाही सरकार है उसमें ये पहले से ही तय था, जिस जगह दिल्ली में जहां रमन जी, यहाँ पर दिक्कत तो ये है कि कौन कौरव है कौन पांडव है, ये डिसाइड कौन करेगा? नहीं, ये तो साफ साफ दिख रहा है जिस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके। डॉक्टर परमवीर जी, क्या लगता है अगर दुरुपयोग नहीं होता प्रियंका जी, तो शरद रेड्डी जब भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से भी पूछताछ हो रही होती कि आपने 54 करोड़ एक ऐसे व्यक्ति से क्यों लिए जो आरोपी है, वो तो साफ, उसमें तो कुछ सबूत और जांच की आवश्यकता ही नहीं है। साफ है कि उसने बॉन्ड दिए, उन्होंने बॉन्ड एक्सेप्ट किए, जो आरोपी, और आरोप लगने के बाद अगर पहले भी होते तो ये होता कि नहीं, तब तक उस पर आरोप नहीं थे। आरोप लगने के बाद अगर पैसा लिया जा रहा है तो वो तो सीधे सीधे रिश्वत का मामला है डॉक्टर परमवीर जी, एक आरोपी से, और आरोपी के बाद उसको गवाह भी बनाया जा रहा है, उसको लाभ भी मिल रहा है, मतलब एक मोटो भी केस में देखते हैं। ठीक है, उस बारे में भी यूनिक नंबर अब मिल गया है, ज्यादा जानकारी प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी तो जनता के सामने भी मुझे लगता आएगी। जी प्रियंका जी, चुनाव में जो पैसा इकट्ठा होता है, हर पार्टी, कोई भी पार्टी बिना पैसे के चुनाव नहीं लड़ सकती है, दुनिया के किसी कोने में लड़ सकती है, भारत कोई अलग नहीं है। अब बार बार बात आती है इलेक्टोरल बॉन्ड की, इलेक्टोरल बॉन्ड की प्रक्रिया क्या थी? अगर कोई 1 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदता है तो वो बॉन्ड स्टेट बैंक से खरीदेगा, तो वो लेजिटिमेट पैसे से खरीदेगा, है ना, कोई बैंक से, या इतना मुझे लगता नहीं है कि किसी में बुद्धि की कमी होगी कि नगद पैसा लेकर जाएगा स्टेट बैंक के काउंटर पे कि ये लो साहब 1 करोड़ रुपया और मुझे बॉन्ड दे दो, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसा गया, वो पैसा आगे ट्रांसफर हुआ, तो उन दोनों पैसों को और किक बैक के पैसे को कंपैरिजन नहीं कर सकते टेक्निकल टर्म्स में, कोर्ट में भी स्टैंड नहीं करेगा कभी भी, ये बात मैं ये बात दावे से कहता हूँ, कोर्ट में भी स्टैंड नहीं करेगी, तो दोनों बातों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन एक चीज की बड़ी खुशी है कि जो विपक्ष हमारा बिखरा था आज वो संयुक्त हो गया एक तरफ आगे, तो अच्छा है कि चुनाव में इससे मुझे लगता है कि बढ़िया टक्कर दी जाएगी, बढ़िया मुकाबला होगा और जनता को जी। तो आप मानते हैं कि उस जो आरोपी से पैसा जो लिया गया भाजपा ने बहुत अच्छा किया, आप उससे सहमत हैं? सर प्रॉब्लम एक और यहाँ पर ये भी है, यहाँ पर हम लोग जज हैं, मतलब परमवीर सिंह कौन होता है? नहीं, जज परमवीर सिंह कौन होता है ये बात तय करने का, मैंने एक बात रखी,
मैंने तो पहले आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाएंगे लेकिन भाजपा के मामले में चुप हो जाएंगे। अपने ऊपर आप खुद ले रहे हैं। मैंने एक बात बोली है कि कोर्ट के अंदर भी ये डिनाई नहीं किया जा सकता कि बॉन्ड का पैसा इलीगल पैसा है। मैं ये बात कह रहा हूँ, आप आम आदमी पार्टी भाजपा बात इलीगल की नहीं है, बात उसी आरोपियों से पैसा लेना मतलब जायज हो गया। अभी बहुत सारी बातें देखिए किस तरीके से, तो आम आदमी पार्टी के ऊपर सारा तमाम ऐसा आरोप लग रहे हैं, तो मैं चीज को बाकी मैं कोई जज नहीं हूँ साहब। ये चुनावी प्रक्रिया है, यहाँ पर एजेंसीज है, कोर्ट्स है, वो काम करेंगे ना। आप और मैं कौन होते हैं? ठीक है डॉक्टर रत्नाकर जी, जवाब दीजिएगा रमन सिंह जी के सवाल का। देखिए कई चीजें चर्चा में हुई, तो मैं पहले इलेक्टोरल बॉर्ड के ऊपर ही आ जाता हूँ जो तमाम ये विपक्ष आरोप लगाने का काम कर रहा है। देखिए ये बहुत प्रामाणिक उद्देश्य के साथ इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया था और इसमें ये पारदर्शिता को जगह दिया गया था कि कोई भी चंदा अगर पार्टी लेती है तो उसमें पारदर्शिता रखी जाए और उसी के माध्यम से अरुण जेटली जी ने यह इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आए और वह इलेक्टोरल बॉन्ड जो भी चंदा देता है उसका KYC मेंटेन होता है बैंक के पास। पहले क्या होता था प्रियंका जी, पहले ये लाखों करोड़ों रुपए चंदा ले लेते थे और सौ सौ रुपए की पावती बना देते, रसीद बना देते थे, किसने दिया किसने लिया कुछ आंकड़ा इनके पास नहीं रहता था। तो बड़े खुश थे विपक्ष वाले, कांग्रेस वाले और दूसरे समाजवादी वाले, बसपा वाले, ये सब बहुत खुश रहते थे। हमको हिसाब किताब देना नहीं पड़ेगा। अब जब हम पारदर्शिता ला रहे हैं कि कौन पार्टी चंदा दिया है उसका नहीं, लेकिन अगर आप इतना ही पारदर्शिता लाना चाह रहे थे तो SBI को यूनिक नंबर देने में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ही नंबर क्यों निकाल के दिया गया? वो जानकारी तो पहले भी दी जा सकती थी ना। फिर प्रियंका जी, सुप्रीम कोर्ट को चार बार इनको ऑर्डर करना पड़ा, ये छिप रहे थे जानकारी देने से। बीच में मैं भी आपके बहुत बार बोल सकता था और बहुत जवाब दे सकता था, मेरे पास आपके सारे तर्कों का जवाब है। ठीक है, देखिए प्रियंका जी, SBI ने सिर्फ समय मांगा था। SBI ने कहा था कि हमको जून तक का समय दिया जाए, हम आपको सारे आंकड़ों के साथ हम आपको सब चीजें अवेलेबल करा देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को वो तय तारीख के अंदर ही चाहिए था जो SBI ने दे दिया। अभी और जो चीजें चाहिए SBI कहां मना कर रहा है देने के लिए? ये तो झूठे आरोप लगाते रहते हैं। और ये बताइए, लेकिन रत्नाकर जी सवाल यहाँ पर ये है कि जब फटकार के बाद डेटा उपलब्ध कराया जा सकता है और किया गया, तो फिर पहले 30 जून तक का समय क्यों मांगा जा रहा था? प्रियंका जी, वो तो SBI बताएगी ना, उनको डेटा कंपाइल करना था, उनको सारी चीजें अवेलेबल करा के उनको डिजिटल फॉर्म में देना था, हो गया। तो वो अपने कंफर्ट के हिसाब से कोर्ट, माननीय कोर्ट के पास जाकर के समय की मियाद कर सकते हैं, फरियाद कर सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं तय समय में ही दिया जाए, तो SBI ने दिया ना, मना कहां किया? और हम थोड़ी भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि आप आंकड़ा छुपाइए, आप मत दीजिए। अरे हमने ही तो कहा इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में कि KYC अपडेट करिए, हमने ही तो पारदर्शिता लाने की बात कही। ये तो लाखों करोड़ों रुपए, सौ सौ रुपए का रसीद। अरे लेकिन रत्नाकर जी, आप कह रहे हैं ना कि अरुण जेटली जी इलेक्ट्रोनल बॉन्ड पारदर्शिता की वजह से लेकर आए, तो उसमें ये तमाम ऐसा तो है नहीं कि आपके साथ रणनीतिकार नहीं बैठे होंगे, तो ये जो तमाम चीजें छूट रही हैं ये पहले ही प्रोवाइड करा देना चाहिए था। और इतनी पारदर्शिता थी तो आपको पहले ही, ये चाहते तो आप अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड करा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, थोड़ा समय दीजिएगा, मैं आपको सारी चीजें स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ। देखिए प्रियंका जी, क्या होता है ना, जो पार्टियां चंदा देती हैं, तो सरकार कभी BJP की है, कभी कांग्रेस की है, कभी NDA है, कभी UPA है, सरकारें बदलती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं चंदा देने वाले की जो है गोपनीयता रखी जाती है। ये हमारा मानना था, क्योंकि अगर सरकारें बदलती हैं तो चंदा देने वाले के ऊपर जो है कहीं कुछ कार्रवाई जानबूझकर कर सकते हैं, इस तरह का हमारा मानना था, इसलिए हमने उनकी गोपनीयता को गुप्त रखने की बात कही थी। अगर इनको वो भी चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, सारा डेटा तो इनको मिल जाएगा ना। अब आप बताइए, आप लोगों को चंदा जो मिला है उसके बारे में आप लोगों का क्या कहना? उदय शर्मा जी, आप जवाब दीजिए इस पर। दूसरी चीज, मैं प्रियंका जी, मैं आम आदमी पार्टी का जो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात थी, इसके पहले की बात मैं जरा कर लूं, मुझे 10-20 सेकंड और दे दीजिएगा। ठीक है, देखिए अभी भाई साहब कह रहे थे ये आम आदमी पार्टी ये खुद करे भ्रष्टाचार और बोले लोकतंत्र पे प्रहार, बाहरे अरविंद केजरीवाल सरकार, यही पार्टी बनी थी जब ये कह रही थी हम स्वराज की बात करते हैं, लेकिन स्वराज की बात करते करते ये शराब की बात करने लगे। जब दुनिया कोविड में, जब कोविड से जूझ रहा था, तो ये शराब नीति में बदलाव करके और किस तरह से घोटाला करे उसकी पटकथा लिखी जा रही थी। और ये वही अरविंद केजरीवाल जी है ना जो ये कहते थे कि हमारे ऊपर कोई आरोप भी लग जाएगा, हमारे ऊपर कोई आरोप भी लग जाएगा तो हम तुरंत इस्तीफा दे देंगे, जांच पूरी नहीं होगी। और आज ये नैतिकता को भूल जाते हैं कि आरोप भी लगे, सबूत भी दिए गए, जेल में भी चले गए, लेकिन भैया हम तो सरकार चलाएंगे वो भी जेल से।
ऐसी क्या मजबूरी थी कि जब कोविड में लाखों लोग मर रहे थे उस समय वैक्सीन बनाने वाली कंपनी इनको 50 करोड़ रुपए का चंदा देती है? ये जांच होनी चाहिए। क्यों आनंद फानंद में वैक्सीन को मंजूरी दी गई बिना वैक्सीन के साइड इफेक्ट की जांच किए? सारे चोर मचाएंगे चोर 31 मार्च को, लेकिन ये सब सामने आ जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड से भारतीय जनता पार्टी का चेहरा सामने आ गया देश के सामने कि एक कंपनी 1400 करोड़ रुपए देती है और उसको तुरंत ठेके मिलते हैं। गोवा और पंजाब के चुनाव में किया गया, ये इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। गोवा और पंजाब के उन पैसे का घोटाले जो किए गए ना उसका इस्तेमाल किया गया, आप इससे भी इनकार नहीं कर सकते हैं। आप क्या कहेंगे? आपने कहा था कि हम कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे, आपने कहा था कोई हम सरकारी बंगला नहीं लेंगे, सारे हम आज भी हम जुमले वाली पार्टी नहीं है, हम वो पार्टी नहीं है जो कहते हैं 15-15 लाख आएंगे और बाद में भूल जाते हैं। हमने स्कूल की बात की थी और आज भी दिल्ली में सबसे अच्छे स्कूल है। हमने अस्पताल की बात की थी, आज भी पूरी दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल की चर्चा पूरे देश में होती है। हमने रोजगार की बात की थी। चलिए ठीक है, आती हूँ रमन सिंह जी आपके पास, आती हूँ भूदेव जी आप जवाब दीजिए। नहीं रत्नाकर जी आती हूँ मैं, पहले भूदेव जी के पास जाऊंगी फिर आपके पास आती हूँ जी। देखिए इन्होंने कही के कौन से चंदे को इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर, मुझे आप मेरे एक दो सवाल है इससे पूछ लीजिए कि जिन पर ईडी सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं वही कंपनियां चंदा दे रही हैं, जिनका जो क्या है फायदा कितना है और बॉन्ड कितना दे रही है ये तो भी तो देख लीजिए। अगर इतना ही अगर आप दूध के दिलो है तो पीएम केयर फंड को भी सबके जनता के सामने लाइए, वो भी जनता का पैसा है, उसको कल छुपा के रखा हुआ है ना, उसको जनता के सामने रुपए मिले हैं या तो आप 12 लाख करोड़ का घोटाला कर चुकी है जी। भूदेव जी अपनी बात पूरी करिए आप। पहले इनसे बोलिए, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, मुझे इस तरह की डिबेट अच्छी नहीं लगती है। इनको बोलिए पहले आप अपनी पूरी बात कर लो, उसके बाद मैं बोल दूंगा। नहीं आप अपनी बात पूरी खत्म करें जी। नहीं तो फिर इनसे बोलिए बीच में ना बोलेंगे। ठीक है, देखिए आज जितने भी भ्रष्टाचारी हैं जिनको मोदी जी मंच पर खड़े होकर के बोलते थे कि ये जेल में जाएंगे, चक्की पीसेंगे, इतने करोड़ का भ्रष्टाचार है, आप मैं तो सीधा सा सवाल पूछ रहा हूँ कि उनके ऊपर ये ईडी सीबीआई की रेड क्यों नहीं पड़ रही है, वो जेल में क्यों नहीं जा रहे हैं, कितने प्रतिशत रेशियो है इसका सक्सेस रेशियो ईडी सीबीआई की जो रेड पड़ रही है इनको, इनका जवाब दो ना। क्यों आज आम चुनाव के समय में आप जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं? 2014 से पहले जिस तरह से 2G स्पेक्ट्रम और कोयला घोटाले के नाम पर इस देश की जनता को भ्रमित किया गया और बताया गया कि कांग्रेस पार्टी के नेता कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन 2014 के बाद वही कैग थे विनोद राय जी जिन्होंने माफी मांगी सुप्रीम कोर्ट में, उसी सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिली, चाहे वो 2G घोटाला हो, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, सभी में माफी बिल्कुल क्लियर चिट मिली। लेकिन इस देश के विपक्षी नेताओं की छवि खराब करने का काम जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी करती है वो आज जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं 2-4 घोटाले बताता हूँ, जब इनकी सरकार जाएगी उसके बाद ये उजागर होंगे। नोटबंदी का घोटाला इस देश का सबसे बड़ा घोटाला है, इलेक्ट्रोनल बॉन्ड और पीएम केयर फंड पूरे देश का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है, ऐसे तमाम घोटाले हैं, कोयला खदानें उनको मिल रही है जो इनको इलेक्ट्रोनल बॉन्ड के नाम पर चंदा दे रहे हैं, चंदा दो धंधा लो इनकी स्कीम बन गई है। आज इनके हर जिले हर विधानसभा स्तर पर कार्यालय बन रहे हैं, वो भी इनकी रजिस्ट्रियां उस दिन हुई थी जिस दिन नोटबंदी की गई थी, तो अब ये किसी से छुपा नहीं है। देश की जनता को बेवकूफ समझना बंद करो, चुनाव के समय पर आपने जिस तरह से इस देश को बांटने का काम किया है, देश के लोगों में नफरत फैलाने का काम किया है, देश की जनता नफरत करती है, रत्नाकर जी जवाब दीजिए। आज इनके जो प्रत्याशी है ना वो टिकट लौटाने पर मजबूर है, इनके प्रत्याशी टिकट वापस कर रहे हैं, चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं ये। क्या एक और ये कहते थे कि मोदी जी के नाम पर ये चुनाव लड़ने का काम करते थे, आज इनके प्रत्याशी टिकट लौटा रहे हैं, रत्नाकर जी आपका जवाब। आप तौर पर दिखाई देता है, देखिए ये बात कर रहे थे कि इनके साथ गठबंधन किया, उनके साथ आरोपी है, ये आरोपी है, वो तो आरोप जो लगा हुआ है, जो केसेस चल रहे हैं, जो चार्जशीट दाखिल हुई है, वो सारे आरोप तो कंटिन्यू है, वो तो जांच चल रही है, जिस दिन कन्विक्ट होंगे उस दिन जेल जाएंगे, इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी किसी भी को बचाने वाली नहीं है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग लालू प्रसाद यादव जो कि चारा घोटाला में कन्विक्टेड है उनके साथ आप इंडी गठबंधन बना करके और जनता के पास जा रहे हैं वोट मांगने के लिए,
तो आप पहले तय कर लीजिए कि कौन जो है घोटालोबाज के साथ है और कौन जो है ईमानदार के साथ है। दूसरी चीज ये कह रहे थे, नहीं लेकिन रत्नाकर जी उनके साथ तो नीतीश कुमार भी थे ना, आप उनसे सवाल नहीं करते, अब आपके साथ हो गए। फिर से रिपीट करिए रत्नाकर जी, आपके सहयोगी, आपके दोबारा से एक बार नए नए सहयोगी बने फिर से नीतीश कुमार जी, वो भी तो उनके साथ ही थे ना। घोटाला कौन किया था? लालू प्रसाद यादव जी। अरे तो जब आप नीतीश कुमार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं तो कांग्रेस से आप सवाल पूछ रहे हैं, आपके सहयोगी नीतीश कुमार उनसे आपने सवाल नहीं पूछा कि 13 महीना किसके साथ सरकार चला के आए हैं? सुनिए सुन लीजिए, अगर कोई व्यक्ति अगर घोटाले में इन्वॉल्व है और पूरी जांच हुई, उसमें जो दोषी जो पाए गए उनको सजा दी गई, उसमें लालू प्रसाद यादव थे, और अगर नीतीश कुमार उसमें अगर कोई घोटाला हुआ रहता, वो किए रहते, तो उनको भी सजा मिलती। लेकिन इस तरह से हुआ क्या? लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज ये कह रहे हैं हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला, तमाम घोटाले का नाम ले रहे हैं आप, भाई साहब आपके जो राहुल गांधी है और सोनिया गांधी है, उनको नेशनल हेराल्ड केस में 5,000 करोड़ का जो है घोटाले का आरोपी बनाया गया है और वह आज बेल पे है, और वह हमारे बीजेपी शासन काल में नहीं उनके ऊपर कार्रवाई हुई थी, ये 2012 में हुई थी जबकि यूपीए शासन काल था, तो कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई थी। तो वो आप कहेंगे कि हमने जानबूझकर किया है, अरे वो कानूनी प्रक्रिया के तहत किसी के ऊपर जांच हो रही है तो वो भी हमारे ऊपर डाल देंगे। आज जो हो रहा है, आज जो साक्ष्य मौजूद है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उनकी पूरी टीम के खिलाफ, वो साक्ष्य के आधार पे जो है उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। अगर वो झूठे हैं, अगर जानबूझ के बीजेपी कर रही है, तो महीनों से जेल में बंद इनके मंत्रियों को तो बेल मिल जाना चाहिए, क्योंकि माननीय न्यायालय जो है वो तो तुरंत सबूतों के आधार पर फैसला दे देता, लेकिन नहीं हो रहा है क्योंकि साक्ष्य पाए गए हैं और साक्ष्य के आधार पर जांच हो रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी 300 करोड़ के मनी ट्रेल का साक्ष्य मौजूदगी की बात को कहा है, और वो सब आधार है जिसकी वजह से केजरीवाल जी को जो है ईडी का स्टडी में दिया गया है। तो इसमें बीजेपी के ऊपर आरोप लगाना सिर्फ कि नई लोकतंत्र का खतरा है, ये जानबूझ के कार्रवाई कर रहे, तानाशाही कर रहे, अरे भाई अगर आप इतने ही ईमानदार होते, आपके चोर की गाड़ी में अगर तिनका नहीं होता तो 9 बार सम्मन भेजने के बावजूद भी आप क्यों नहीं गए? ये तो आपके चोर की दाढ़ी में तिनका है ना। रमन सिंह जी इस पर आप जवाब दीजिएगा, रमन सिंह जी इस पर आप जवाब दीजिएगा, आप कह रहे हैं कि ईमानदार हैं, 1 रुपए का कहीं से रिकवरी नहीं हुई है, सभी निर्दोष है, अगर निर्दोष है तो डर किस बात का? इससे पहले भी कई केस ऐसे हैं जहां पर केस चला है और यदि कुछ नहीं मिला है तो आपको सुप्रीम कोर्ट पर, न्यायालय पर, हाई कोर्ट पर तो भरोसा है ना कम से कम? बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल कि निर्दोष है तो डर किस बात का। हमें डर प्रियंका जी बिल्कुल नहीं है, आम आदमी पार्टी डर से कार्य नहीं करती। अगर जांच ये पूरी प्रक्रिया को ही दोषपूर्ण बना रही है ईडी, 2 साल से सिर्फ जांच चल रही है, जब तक किसी केस में ट्रायल नहीं होगा तो उस पर कैसे दूध का दूध और पानी का पानी होगा? क्योंकि मनसा ही नहीं इनकी तो सिर्फ जांच के नाम पर अटकाने की और उस पीएमएल एक्ट का दुरुपयोग करने की, जिसमें जमानत का प्रावधान ही नहीं रखा, उस पीएमएल एक्ट का पूर्णतया दुरुपयोग करने की मनसा है। अगर जांच की मनसा होती तो 2 साल में अभी तक जांच पूरी हो चुकी होती और ट्रायल शुरू हो चुका होता कोर्ट में, लेकिन ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ इन्होंने, तो खाली अभी क्या है, जांच चल रही है, और जांच चल रही है इसलिए जमानत नहीं है, जांच चल रही है तो जमानत नहीं होगी। चलिए आपके सवाल पे मैं आपके सवाल का जवाब लेती हूं मैं पहले। डॉक्टर परमवीर सिंह जी, क्या लगता है आपको, रमन सिंह जी जिस तरह से कह रहे हैं, क्या वाकई में इतना समय लगता है या जो बात रमन सिंह जी कह रहे हैं उसमें कुछ दम है? प्रियंका जी देखिए, पहली बात, चर्चा में जिसके ऊपर जांच चल रही है वो इस समय एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री के पास हर राज्य के भले किसी पार्टी के स्पेशल राइट होते हैं, उन्हें प्रोसिक्यूट करने से पहले बहुत सारी परमिशन देनी पड़ती है। ये तो हुई चीफ मिनिस्टर की बात। अगर एक साधारण आदमी के ऊपर भी कोई ट्रायल करनी है ना, तो उसकी प्रोसीजर क्या होती है कि FIR दर्ज होती है, वो पेश होते हैं मजिस्ट्रेट, जैसे अरविंद केजरीवाल जी कल हुए हैं, अब उनका ट्रायल शुरू होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो घर बैठे रहेंगे, ट्रायल कोर्ट में चलता रहेगा अपने आप, ये किसी पार्टी नहीं है कोई, अब शुरू होगा ट्रायल से। नहीं, जिस तरह से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के जेल में रहने को भी माना जा रहा है कि लंबा समय बार बार लगाया जा रहा है, चार्जशीट अभी तक दायर नहीं की गई है, दाखिल नहीं की गई है, तो पूरी तरह से समय किल करने का काम किया जा रहा है। देखिए वो कोर्ट की प्रोसीजर्स होते हैं, देखिए आपने अभी देखा होगा, हम टेक्निकल बात पर ही जाएंगे, अरविंद केजरीवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी अपने अभिषेक मनु सिंघवी जी के पास से, वो रिकॉल कर ली, क्योंकि उस समय पे दोनों तरफ से एक चल रहा होता है कि अपनी बात को सही सही साधक देखा, तो कोर्ट के प्रोसीजर्स बहुत सारे होते हैं, इसमें दोनों जगह दिखाया जाता है, कई बार आरोपी भी और
कोई एजेंसी है, दोनों ही लोग अपने पेपर के लिए और दोनों को कोर्ट बराबर समय देती है। ऐसा नहीं होता कि एक पक्षीय होता है कि केवल उनको दे, तो अगर ये भी डेट मांगेंगे तो इनको भी मिलेगी, लेकिन वो चुनावी प्रक्रिया है, चुनावी सॉरी वो कोर्ट की प्रक्रिया है, तो वो अपने टाइम से चलेगी। इसका ऐसा नहीं होगा कि एक स्पेशल किसी बड़े आदमी का मुकदमा आ गया तो उसके लिए एक फास्ट ट्रैक बिल्कुल सब काम छोड़ के इसमें बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अभी हमने देखा भी था सुप्रीम कोर्ट में रात को ही सुनने की अर्जी लगाई गई थी अभिषेक मनु सिंह जी द्वारा, उन्होंने कहा नहीं सुबह देखेंगे, कि ऐसा कोई बड़ा मामला बात नहीं दिखाई थी कोर्ट को। तो ये कोर्ट की अपनी मर्जी होती है, इसके अंदर एक हम मीडिया के थ्रू या इमोशंस के बेस के ऊपर हम कहें कि नहीं जी अरविंद केजरीवाल जी बहुत भले आदमी है, इतने लाख आदमी कह रहे हैं तो उनके लिए आप स्पेशली ऐसा कीजिए, तो ऐसा संभव नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने किसी के लिए भी संभव नहीं किया वो देश में। और यहाँ पर एक बात जो गौर करने वाली बात होगी, अभी तक हुआ क्या था, हमारी डेमोक्रेसी डायनास्टिक डेमोक्रेसी के रूप में बढ़ती रही, जहां पर नेताओं के बेटे बेटियों का पहला अधिकार माना जाता था और उनकी डिग्री एक मानी जाती थी कि फला व्यक्ति के बेटे हैं तो भैया ये काबिल है मान लिया जाए। उस चीज के ऊपर जनता के थ्रू अब ब्रेक लग रही है कि आप पूछते हैं किसी का बहुत अच्छा डॉक्टर है तो कोई भी इसलिए चला जाएगा कि पिताजी बड़े अच्छे डॉक्टर थे तो मैं भी इलाज अपना करा लेता हूँ, बेटा एमबीबीएस की डिग्री तो लिए बैठा है। अब वो नेताओं के बारे में बात हो रही है, वो तो कहते हैं पहले थे कि जांच चले जा रही है, आधी आधी जिंदगी निकल जाती थी नेताओं की। लालू जी का एग्जाम्पल सबके सामने है, जहाँ चलती रही थी 20 साल तक सीएम बनते रहे, अभी बनते रहे लालू जी, एक अति चौकी नहीं डीएम के, वहां जाइए साउथ में जाइए, पूरे भारत में कहीं से जाइए, किसी पार्टी को ऐसा बचा हुआ नहीं है। नहीं, लेकिन इस तरह के आरोपों में एक आरोप ये भी हमेशा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो तमाम नेता शामिल हो गए हैं, वो जो जांच प्रक्रिया चल रही है, कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार इस तरह के आरोप भी लगाती है कि एजेंसियां तो बहुत तेजी से अपना काम कर रही है, लेकिन वो जो जांच है वो क्यों धीमी हो जाती है बीजेपी में शामिल होने के बाद। देखिए ऐसा ये क्या सभी पार्टियों के साथ में है, ये केवल बीजेपी का पिछुक्ति नहीं कह सकते, जब यूपीए शासन होता था या अभी आप एक दिन हम चलते हैं साउथ में चलते हैं, द्रविड़ा मुनेत्रा कज़ागम डीएमके, उनके एक नेता को मंत्री यही वास्ते थी वहां पर हो गई थी, कोर्ट से जेल में थे और वो मंत्री पद छोड़ नहीं रहे थे और 500 करोड़ से ऊपर का उनके ऊपर वो था, सरकार वहां की वो थी। तो देखिए अपने लोगों को बचाने के लिए तो जांच धीमी करा दी जाती है एजेंसी के ऊपर। अभी अरविंद केजरीवाल जी के पास से 150 ईडी के अधिकारियों की वो एक मैनिफेस्ट मिला था, वो क्या करने के लिए, शादी का कार्ड देने के लिए थोड़ी बनाया गया होगा, किसी ना किसी तरीके से प्रभावित करने के लिए, बहरहाल इंसान ही तो है। रमन सिंह जी जवाब दीजिएगा इस पर। जी पहली बात तो ईडी ने ऐसा 150 का ये मिलने का कहीं कोई तथ्य नहीं रखा है, ये एक एक यह कहें कि एक तथाकथित पत्रकार के द्वारा एक उछाली गई बात थी जिसका कोई तथ्य ईडी ने अभी इस बरामदगी इसके संबंध में कोई आधिकारिक खबर नहीं दी, ये पहली बात। परविंदर जी कह रहे हैं दो साल प्रियंका जी बहुत बड़ा समय होता है, आज तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, सप्लीमेंट्री चार्जशीट के नाम पर इस केस को जांच के नाम पर आगे बढ़ाया जा रहा है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट इसलिए दाखिल की जा रही है ताकि उनको जमानत ना मिल सके, अगर चार्जशीट नहीं लगाएंगे तो फिर जमानत कोर्ट में एक अधिकार हो जाता है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट के नाम पर अभी तक आरोप तय नहीं हो पाए, 2 वर्ष का समय प्रियंका जी बहुत होता है और अभी तक आरोप तय नहीं हो पाए कि आपके ऊपर इस आरोप पर मुकदमा चलेगा। नहीं लेकिन रमन सिंह जी अगर इस पर ऐसा आपको लगता है तो आप कोर्ट का रुख तो बार बार करते हैं ना, आप कोर्ट का रुख कर सकते हैं अगर आपको वाकई में ऐसा लग रहा है तो, कोई एजेंसी अपने समय के हिसाब से काम कर रही है, जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से अगर काम कर रही है, अगर आपको लग रहा है कि वाकई में ढील दी जा रही है, जानबूझकर देरी की जा रही है, तो कोर्ट का रास्ता तब भी खुला है आपके पास। जी उसी कोर्ट की तो बात करें, कोर्ट भी प्रियंका जी फैसला उन आधार पर देगा ना जो कानून है, कानून के आधार पर ही देगा। आप अगर प्रियंका जी एक मैं छोटा सा उदाहरण देके बताता हूं, आप अगर कर दें कि अगर धारा 144 आप तोड़ेंगे तो आपको 20 साल की सजा होगी और मुकदमा जब तक चलेगा तब तक आपको जमानत नहीं मिलेगी, तो धारा 144 भी ऐसा आरोप अपराध बन जाएगा तोड़ना कि आपको कभी जमानत नहीं मिलेगी। पीएमएलए एक्ट में भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में यही किया, उन्होंने पीएमएलए एक्ट लाया और उस एक्ट में ये प्रावधान रखा कि जब तक जांच चलेगी तब तक ईडी अगर चाहे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर अगर चाहती है तो वो जमानत लेने का विरोध कर सकती है और आरोपी का ये अधिकार नहीं होगा। मैं ठीक है रत्नाकर जी से जवाब लेती हूँ, लेकिन अब आपको कोर्ट से भी दिक्कत है, पीएमएलए के नियम से भी दिक्कत है, तो रत्नाकर जी कोर्ट से दिक्कत नहीं है, कोर्ट तो फैसला उसी आधार पे देगा ना, मैं उसी उदाहरण को समझा रहा हूँ। अगर ये कह दिया जाए कि पीएमएलए एक्ट में जमानत ही नहीं है, जमानत का प्रावधान ही नहीं है, तो कोर्ट तो मजबूर है ना, उसमें लिखा हुआ है कानून बनाने का काम तो संसद का है। जी जी बिल्कुल, संसद कानून बनाती है। सौ बात की एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये यहाँ पे आकर जितना एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, जो तथ्यों को अपने हिसाब से कह रहे हैं और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई घोटाला ही नहीं हुआ है और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है,
तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई देखिए न्यायपालिका तो घोटाला हुआ होता तो सर आरोपी को गवाह नहीं बनाया जाता। सुन तो लीजिए, अपना बीच में बोला नहीं, फिर मैं अब सुन लीजिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप माननीय न्यायालय के पास बार बार जाते हैं, बार बार जा भी रहे हैं, और जो आप ये कह रहे हैं यहाँ पे टीवी पे बैठ करके हम लोगों के सामने, वो जाकर माननीय न्यायाधीश के सामने कहिए और आपकी बातों में तथ्य के साथ उसको प्रूफ करिए। अगर आप चोरी नहीं किए हैं, घोटाला नहीं किए हैं, तो प्रूफ करके और बाहर आ जाइए ना, डर किस चीज का। लेकिन आपके चोर के दाड़े में तो पहले से तिनका था, इसलिए नौ नौ बार संबंध दिया गया और आप पेश नहीं हुए। अरे ये वही पार्टी है जो स्वराज से निकली थी और शराब तक आ गई। दिल्ली के लोगों को पूछिए, हर मोहल्ले में शराब की दुकान खोल करके पिंक ठोकों का इजाद करके पीने नेशनल टीवी पर बैठकर आपको पता है दिल्ली में कितनी शराब की दुकानें हैं और कितनी बढ़ी 2014 से पहले किया है। तो आम आदमी पार्टी नेशनल टीवी पर बैठकर झूठ बोलने से आपकी बातें सच नहीं हो जाएंगी। आप अपनी बातों को सच साबित कर लीजिए, न्यायालय के पास चले जाइए। अब न्यायालय के पास जाकर के ये सारे पीड़ित जो कह रहे हैं न्यायालय में सब सामने आ जाएगा, न्यायालय में सब सामने आ जाएगा। लेकिन आप जाइए और कहिए, झूठ बोलेंगे आप कह नहीं पा रहे, सिर्फ जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आप जनता मंत्री गर्ग अली बाबा और 40 चोर है और जो मुख्य साजिश कर रहा है वो आदमी है अली बाबा से, भूमाफियाओं से, कोयला खदान माफियाओं से, जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर चंदा लिया गया पूरे देश ने देखा है। चंदे चंदा दो और धंधा लो का जो एक कानून बनाया, उसी इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है। आप क्यों भूल जाते हैं इस बात को? चौधरी ने ही कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उसी इलेक्टोरल बॉन्ड के आपका जो चंदा दो धंधालो वाला योजना चल रही थी उसको असंवैधानिक करार दिया है। आप भूल जाते हैं उस बात को। अब ये बताइए ये अजय माकन ने वो शीश महल का जो मुद्दा उठाया था और जिसमें आपने 8-8 लाख के पर्दे लगाए थे, करोड़ों के घर में खर्चा किया, 80 करोड़ का जो घोटाला, फिर झूठ बोल रहे हैं आप, फिर झूठ बोल रहे हैं आप, फिर झूठ बोल रहे हैं आप। वो झूठ है, 8-8 करोड़ का पर्दा आपने लगाया, किसी मीडिया वाले को अपने अपने शीश महल के इर्द गिर्द भटकने नहीं दिया, क्योंकि मालूम था आएंगे फोटो निकालेंगे और जनता के बीच में पहुंच जाएगा तो आप पकड़े जाएंगे। रमन सिंह जी वापस आती हूँ मैं, रमन सिंह जी आपके पास वापस आऊंगी मैं, क्योंकि आप वो आपके पर्दों को झूठ बताएंगे, आप इलेक्टोरल बॉन्ड को सच बताने की कोशिश करेंगे, ये तो राजनीति है, चलती रहेगी, लोकसभा चुनाव में भरपूर आपको समय भी मिलेगा। भूदेव शर्मा जी, क्या लग रहा है आपको जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की आपके पास वापस लौट कर आती हूँ, डॉक्टर परमवीर सिंह जी, जिस तरह से कहीं ना कहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद, एक बात तो जिस तरह से आपने भी कहा कि विपक्ष एकजुट होता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं माना जाए तो ये एक मुद्दा भी है, लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी आने वाले समय में जिस तरह से इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाने की कोशिश कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की भी कोशिशें लगातार जारी हैं, क्या लगता है आपको किस पार्टी को ज्यादा फायदा हो सकता है और क्या सफलता मिल सकती है विपक्ष को? देखिए, गालिब की दो पंक्तियां हैं इस मामले में, बड़ी सटीक बैठेंगे अभी, सटीक खबर गरम की गालिब उड़ेंगे पुरजे। देखने हम भी गए थे पर तमाशा ना हुआ जी। जैसे देखने में लग रहा था कि अब घोटाले की बात आ गई तो भाई कांग्रेस से शिकायत की थी कि बहुत अजीबोगरीब स्थिति होगी, लेकिन हुआ उलट कि विपक्ष जो एक बिखरा हुआ दिख रहा था वो एकजुट हो गया इसके नाते, इस नाते से तो टक्कर बढ़िया होगी ऐसा लगता है, टक्कर बढ़िया। कुछ कुछ राज्यों में दिल्ली की टक्कर देखने लायक होगी, पिछली बार 7 सीटें भाजपा के पास में थी, तो इस बार देखते हैं कि क्या अगर हो सकता है, जैसे बार बार कहा जा रहा है कि एक सिंपति की वेव उठी हुई है केजरीवाल जी के लिए, तो हो सकता है देखिए कितना फर्क मिलता है। तो कुछ कुछ राज्यों में हमें देखने को मिलेगा कि विपक्षी एकता से भाजपा को प्रॉब्लम होने वाली है, बाकी चुनाव तो 7-4 जून को सब सामने होगा, कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। रमन सिंह जी फाइनल कॉमेंट दीजिएगा जी। जो आरोप है, जो कानूनी प्रक्रिया है वो चलती रहेगी, हम जनता के बीच इन सारे मुद्दों को लेकर जाएंगे और इस बार आम आदमी पार्टी, जैसा परमवीर जी ने बोला भी, दिल्ली पंजाब और जहां भी इंडिया गठबंधन है बहुत मजबूती से लड़ेगा, जो इस तानाशाही सरकार की जो कमियां हैं उसको पूरा जनता के बीच ले जाएंगे और वो उजागर होंगी और आगे जनता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा जी। रत्नाकर जी फाइनल कॉमेंट। देखिए, आज जनता बहुत समझदार है, जनता यह देख रही है और जान रही है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी पंजाब में एक दूसरे को गाली देने का काम कर रहे हैं और दिल्ली में गले मिलने का काम कर रहे हैं। तो ये जनता देख रही है कि आप अभी कुछ कह रहे थे, अभी फिर कुछ कहने लगे आप। ये आबकारी घोटाले में ही सबसे पहले प्राथमिकी कांग्रेस पार्टी के अनिल चौधरी ने किया,
और आज कांग्रेस पार्टी उसी अरविंद केजरीवाल को घोटाले में जब पकड़े जाते हैं तो डिफेंड करने का काम करती है। तो जनता ये सब देख रही है, जनता जानती है, आप जनता को गुमराह और बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जनता अभी इतनी समझदार है कि आपको समझ चुकी है कि आप कितने बड़े घोटालेबाज हैं। आम आदमी बन करके चुनाव में लड़े थे और खास बनने की कोशिश किए, स्वराज से चले थे और शराब की नीतियों के घोटाले में आकर उसमें फंस गए और उलझ गए, और जनता माकूल जवाब देने वाली है। जी बिल्कुल। रमन सिंह जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये भी कि सुनीता केजरीवाल को जिस तरह से मैदान में लाने की तैयारी हो रही है और माना जा रहा है, सहानुभूति वोट को लेकर परमवीर जी ने भी कहा है कि आपको फायदा मिल सकता है, विपक्ष को फायदा मिल सकता है इस मुद्दे को, सुनीता केजरीवाल क्या आने वाले समय में सीएम अरविंद केजरीवाल की जगह बैठी हुई नजर आएंगी, लोकसभा चुनाव में सामने आकर आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगी? देखिए, अरविंद जी के साथ सुनीता जी पहले भी चुनाव प्रचार करती रही हैं, और जब अरविंद जी किसी दूसरे राज्य के दौरे में होते थे चुनाव के दौरान, तो दिल्ली विधानसभा में अरविंद जी का पूरा कैंपेन सुनीता जी पहले भी देखती रही हैं। बात संवैधानिक पद की है तो मैं ना बोलूंगा, लेकिन अगर बात चुनाव प्रचार की है तो बिल्कुल, ये बिल्कुल से अगर आवश्यकता होगी, अगर ये पार्टी को अगर जरूरत उनकी महसूस होगी तो बिल्कुल उनका सहयोग लिया जाएगा और वो चुनाव प्रचार में बिल्कुल जाएंगी, चाहे अरविंद जी की पत्नी हो या संजय सिंह जी की पत्नी हो। चुनाव प्रचार के लिए किसी के परिवार को रोका नहीं जा सकता है, और संवैधानिक पद पर अरविंद केजरीवाल जी बने रहेंगे। पार्टी ने बिल्कुल डॉक्टर परमवीर जी, छोटा सा सवाल, क्या आम आदमी पार्टी में नहीं दिया जाएगा अरविंद केजरीवाल के बाद किसी और का चेहरा आप देख पा रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया था। वहां पर अध्यक्ष नहीं होता, वहां पर कन्वीनर होता है, और वो अरविंद केजरीवाल जी की मर्जी है, वो जब तक बने रहे तब तक बने जाए, आगे किसी को दे सकते हैं, उनकी विल है, वो सबकी मर्जी है। तो यही मुझे लगता है समस्या की प्रॉब्लम बनेगी। आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी के बाद कोई है ही नहीं जिसे सब लोगों ने सर्वमति से चुन ले, तो यही समस्या आने वाली है। शायद इसीलिए उनकी पत्नी को लाया जा रहा है आगे कि देखिए इस तरीके की कुछ व्यवस्था बनाने की कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सभी का करना चाहूंगी, रत्नाकर जी, भूदेव जी, डॉक्टर परमवीर जी और रमन सिंह आजादी, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से विपक्ष के नेता तमाम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं और केंद्र सरकार पर हमला बोलने की पूरी कोशिश भी करें, माना यह भी जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की जगह लेने के लिए कहीं ना कहीं सुनीता केजरीवाल को भी आने वाले समय में तैयार किया जा सकता है, और सहानुभूति के सहारे लोकसभा चुनाव की सीढ़ियां चढ़ने का काम आम आदमी पार्टी और साथ ही साथ विपक्ष भी करने की तैयारी में है। लेकिन देखना यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार भ्रष्टाचार और ईमानदारी को लेकर जो तीर तलवार तरकश में तैयार करके रखे है, आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में उसका कितना और किस समय इस्तेमाल करती है ये वक्त बताएगा और उसके बाद जनता बताएगी। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।